200 फैमिलीज, क्या बात है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हम बहुत दूर जाने वाले हैं। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, केवल एक सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। जब रेस लंबी होती है, जब कोई भी रेस लंबी होती है, तो ये मायने नहीं रखता कि तेज कौन भाग रहा है। जब रेस लंबी होती है तो ये मायने कभी नहीं रखता कि कौन तेज भाग रहा है, मायने ये रखता है कौन अंत तक दौड़ रहा है। और हमारी जो रेस है वो A70 है, और हमारी जो रेस है वो 70 डायमंड है। सर की एक कोटेशन आई थी कि सिद्धि जब होती है जब साधना होती है, और हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं, मैं अपने आप को सुधारने के लिए, मैं अपने आप को और मेहनत करने के लिए और सीखने के लिए मैं तैयार हूं। A70 तक, जब तक 70 डायमंड वाहन नहीं होंगे। और जब आप बड़े संकल्प लेते हैं तो ईश्वर, आपके अप्लायंस, आपके मेंटर कब आपके पास आ जाते हैं, कब आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं, ये ईश्वर जानता है, क्योंकि वो उनसे कनेक्ट होते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है ड्रीम टीम का, कि हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, जिनके विजन के कारण हम इस बिजनेस में हैं, जिनके ड्रीम के कारण हम बिजनेस में हैं, जिन्होंने उस समय बिजनेस को देखा जब लोग देख नहीं सकते थे, जिसने उस समय बिजनेस किया लोग कर नहीं सकते थे, पर इनका विजन और ड्रीम वो इतनी मजबूती से रहा कि आज पूरा हिंदुस्तान उनको याद करता है, पूरा हिंदुस्तान उनसे सीखता है, और हमारे परिवार के वो बड़े हैं। तो मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसे वेलकम करेंगे, आपका हैंड रेज हो, आपकी तालियां हो, आपकी खिड़की खुली हो। मैं इनवाइट कर रहा हूं EDC गोइंग साउंड धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। वेलकम कर दे। पहले मीनाक्षी को बुलाते हैं भाई। नमस्कार सबको, कैसे हैं आप लोग? हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, और जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप सब बहुत ही लकी हो और बहुत ही स्पेशल हो, क्योंकि मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे संतोष जी से और अशोक जी से कि जो रेगुलर हो गया इस बिजनेस के अंदर उसका बेड़ा पार है ना, जो रेगुलर मीटिंग में आने लग गया। और आप सबको इंतजार रहता होगा इस तरीके के सेशन का, और हम लोग भी बहुत ही सारे काम निपटाकर जब फिजिकल हुआ करती थी तो सब कुछ अरेंज करके ओपन मीटिंग में, और जहां पर भी हमारी अपलाइन हमें कहती थी हम वहां पर पहुंचे होते थे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं आज, इसीलिए ही आप अपने लीडर्स को देख रहे हैं, वो इतने सक्सेसफुल हैं। और लेडीज आप सब कनेक्टेड हो यहाँ पर, आप लोगों के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग निकलते थे ना तो हमारे लिए फिर भी इजी होता था, क्योंकि आप घर से बाहर हो तो घर में पीछे कुछ भी होता रहे है ना, आपका ध्यान नहीं भटकता। लेकिन अब घर के अंदर है और फिर भी कभी बच्चा आवाज मार रहा है, कभी मदर इन लॉ कुछ कह रही है, कभी कोई और काम पेंडिंग आ गया है, तो उस पर कंसंट्रेट करना और बैठना कैमरा ऑन करके वो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम आपको आज मैं क्या एक टिप दूं आप लोगों को, सबसे पहला टिप तो मेरा ये है कि अपनी सेहत में जरूर इन्वेस्ट करें, है ना, क्योंकि हम लोग जो है हेल्थ और ब्यूटी के बिजनेस में है, तो हम रोल मॉडल बने, सबसे पहला टिप तो ये है। और किसी भी परिवार की सेहत जो है वो लेडी से स्टार्ट होती है, तो अगर लेडी है जो सारी चीजें कंट्रोल करती है कि मेरे बच्चों को क्या न्यूट्रिशन जाएगा, मैं घर में कौन सा सामान खरीद के लेकर आऊंगी, और न्यूट्रलाइट खरीद तो ले आए लेकिन वो टेबल पर ही रखा है ना, वो बॉटल्स खुली नहीं, और कभी दे दी डेली, कभी दे दिया कोई सप्लीमेंट, और कहने को तो हम खा रहे हैं लेकिन बच्चों को
खांसी है, जुकाम है, खुद की इम्यूनिटी वीक है, खुद जब रसोई में खड़े होते हैं तो पैरों में दर्द हो रहा है ना, सिर में दर्द हो जाता है हफ्ते में दो बार, तो फिर हम काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना, और हम किसी को फेथ के साथ बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए रेगुलर हम एज अ लेडी आज भी राणा जी को मैं न्यूट्रलाइज देती हूँ, ओके, खुशहाल को मैं ही देती हूँ, तो वो निश्चिंत है, उनको कोई इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबह जब मैं स्मूदी बनाती हूँ तो उसके अंदर वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, वो मेरा ही डालने का काम है। तो आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे, है ना, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। और दूसरी चीज मैं ये करूंगी आपको कि आप जो है, हम बहुत इमोशनल होते हैं, हम सब लेडीज खास तौर पे, हमको किसी ने कह दिया कुछ, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, या हस्बैंड ने भी कुछ कह दिया, तो हम बहुत सोचने लगते हैं उस चीज को और हमारा मूड भी बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, है ना। तो उसके लिए जरूर आप जो किताब आपकी अपलाइन आपको बोलती है, जो सीडी आपको बोलती है, उसको आप रेगुलर आप उसको करें, या कर भी रहे होंगे तभी आप लोग यहाँ पर हो, और उसको अपने को काम के अंदर इन्वॉल्व करिए, क्योंकि जब हम सीडी सुनते हैं तो हम लोग, हमारा माइंड बिल्कुल एकदम सेट रहता है, किसी की कहानी सुनते हैं सक्सेस की तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो एक तरीके से दवाई का काम करती है। न्यूट्रलाइट हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए है और सीडी और बुक्स जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसके ऊपर आप रेगुलर रहिए और अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काम जो है वो एक मेडिटेशन की तरह तरीके से है कि हम कभी भी कोई हल्की सी हरारत भी होती है ना, और किसी को प्लान दिखा दो तो वो बुखार उतर जाता है, आपने भी ये नोटिस किया होगा, है ना। तो अपने आप को काम में इन्वॉल्व करिए, अपनी ड्रीम लिस्ट, अब ड्रीम टीम है ये, और ड्रीम सपने बड़े बड़े बनाइए, उनको लगाइए, चिपकाइए। और अभी हमारा बेटा है खुशहाल, तो वो अपने, उसको पता, उसको हमने बता दिया कि फोटो लगाने से मिल जाती है, तो वो हर रोज प्रिंट, हमने स्पेशल, आप मानोगे कि प्रिंटर हमने इसलिए खरीदा क्योंकि अब ज्यादातर, पहले क्या होता था कि आप मैगजीन में से फोटो काट लेते थे, तो अब मैगजीन भी कोरोना काल में हम इतनी लेकर नहीं आते थे, तो क्या करें कि आप मोबाइल के अंदर से आप स्नैपशॉट लेके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हमने स्पेशल प्रिंट आउट इसलिए लिया था, प्रिंटर इसलिए लिया था कि हम उसका प्रिंट आउट ले सके। तो अब खुशहाल करता है, कोई भी देखेगा, उसमें एक स्कैनर होता है फोन के अंदर, कोई भी चीज लेनी है ना, वो ऐसे स्कैनर कर देगा, वो इसके ऊपर आ जाती है फोन के ऊपर, और फिर कहेगा मम्मा प्रिंट आउट लो, तो पूरा हमारा जो बोर्ड है ना वो इसकी गाड़ियों से, बाइक से, और उससे भरा हुआ है, स्मार्ट वॉच से। और तो इसलिए हम जो ये सीख रहे हैं, ये हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, तो ये बहुत ही प्राइसलेस है। और आप बहुत ही स्पेशल लोग हो, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और शुभकामनाएं। और आपकी अप्लाइंस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपका वो कहते हैं ना कि 80% काम तो आपका हो गया है, 20% काम है फॉलो करना, वो जो काम कह रहे हैं उसको फॉलो करना, तो जहां पर वो पहुंचे हैं आप वो वहां तक लेकर जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी मैं इन्वाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को, और उनके बारे में तो हम क्या कहें, है ना, वो बहुत बड़े ड्रीमर हैं और मोटिवेटर हैं, और दूसरे लोगों के अंदर ड्रीम डाल देते हैं, ओके, इमोशनल ड्रीम्स जगा देते हैं। तो हियर आई इनवाइट माय प्रिंस चार्मिंग, क्राउन इन द मेकिंग, धर्मेंद्र आनंद फॉर यू। थैंक यू। अरे एक मिनट, में ये दिखाना भूल गई आप लोगों को, रियल वाला ड्रीम, ये देख रहे हैं आप अंगूठी, नहीं ये वो वाली नहीं है, ये दूसरी वाली है। अच्छा ये तो हाँ, उससे कुछ दिन पहले ये है, कौन से वाली है ये करवा चौथ वाली, ये जो आप देख रहे हो, अच्छा है कड़ा, और इसके साथ ही ये अंगूठी अच्छी लग रही है लेडीज, और हाँ ये देखो, ये करवा चौथ पे मुझे इन्होंने जबरदस्ती दिलवाया है,
अच्छा आपके हस्बैंड भी आपको पकड़ के जबरदस्ती, मैं इनको बोली कि यार अब तो मीटिंग में फिजिकली जाना ही नहीं होता, देखा काम आ गया ना है? पर ये तो यार जूम पे भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी दूसरी हमारी जो 25 साल की जो थी अभी हमने क्रूज पे मनाई, तो उसमें भी फिर इन्होंने बहुत अच्छी दी है। और ये इनको मीनाक्षी ने मुझे सॉलिटेयर दिया, डायमंड सॉलिटेयर। आ रहे नहीं उसकी चमक से, कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है उसकी चमक को, इसलिए अशोक जी ने चश्मे लगाए हुए थे, चमक रहा था सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी लाइफ आप लोगों की होने वाली है, कीप दिस स्पार्क इन योर माइंड इन योर हार्ट, है ना, और कीप ड्रीमिंग। थैंक यू सो मच। ग्रेट जी ग्रेट, क्या बात है, सरप्राइज आपके लिए नहीं है, सरप्राइज हमारे लिए है, क्यों आते ही ड्यूटी पे लगा दिए। हम पहुंचे और अशोक जी बोले हमने ना टीम को सरप्राइज दिया है, मैंने सरप्राइज उन्हें नहीं है, ये सरप्राइज हमें है। चलो ग्रेट जी ग्रेट। अरे मैं चश्मा दूसरा लगा लिया मैंने, शायद मेरा पास वाला कहाँ है, क्या होता। ओके सो मैं एक बार आप सबकी शक्लें देखना चाहता हूँ, तो हम पहले एक बार आजू बेटा एक बार इसको उस पे करियो गैलरी पे, तो जिस जिस की खिड़कियां खुली हैं, नहीं मिला ओ ये यही था आपके साथ होता है ऐसा कभी, बगल में छोरा नहीं, कई बार तो चश्मा लगा रखा होता है और चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, बोले ये चश्मा नहीं मिल रहा, मैं कम से कम उतना बुरा नहीं हूँ ना, मैंने यहाँ टांगा हुआ था। ग्रेट, आप ही में से कोई बता देता यार ये चश्मा तो यहाँ टांगा हुआ है जी। ओके सो ये इससे ओके, तो देख रहा हूँ मैं बहुत बहुत क्या बात है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप सब लोग, वंडरफुल। हेलो कमल जी कैसे हैं, कमल वालिया, वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोई एक बार जरा है ना ऐसे करें तो पता लगे कोई देख रहा है मुझे। राधे श्याम जी, मिस्टर कूल, हाउ आर यू, जसवीर कौर सिस्टर नमस्कार, विनोद जी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं अब, रेनू बहन जी, सत्यपाल जी, वंडरफुल, क्या बात है यार। नरेश जी कैसे हैं, सुहालाल जी ग्रेट, हंसराज जी वंडरफुल, डॉक्टर विष्णु तनवर एंड संगीता तनवर जी नमस्कार, दीपक शर्मा, दीपक जी आपके तो मैं आपका फैन हूं मैं, नरेंद्र जी और आप तो दोनों कमाल हो सर, आप दोनों की पोस्ट देखते हैं, नरेंद्र भाई आपको नई गाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे ये गाड़ियां आपकी और आती रहें, इसी हर गाड़ी से अगली गाड़ी तक का सफर बहुत आसान हो आपका। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी नमस्कार, चलो ग्रेट सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो सॉरी। एम के सेवल जी वंडरफुल, बड़े अच्छे लग रहे हैं कोट पैंट टाई में, ओके नहीं मेरे लिए तो गैलरी खोल दो फर्स्ट गैलरी खोल, क्योंकि आदत है ना देख के मजा आता है बात करने, ठीक है सो वंडरफुल। क्या बात करें, सबसे पहले बात जो मीनाक्षी ने की थी, आप सब सच में बहुत लकी हैं, और लकी इसलिए हैं कि आपके अपलाइंस आपके साथ में हैं, और ऐसे अपलाइन जिनको मैं हर जन्म में एमवे बिजनेस करूं, ईश्वर से सच में हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में एमवे बिजनेस करूं, इंजीनियरिंग बेशक ना करूं राइट, बट एमवे बिजनेस जरूर करूं, थोड़ा लाइफ में जल्दी मिल जाए, जैसे मीनाक्षी को मैं बोलता हूं हर लाइफ में तू मुझे मिले बट जल्दी मिल जाए, है ना, और ऐसे ही हर एमवे बिजनेस जब भी जिस भी जन्म में करूं डाउनलाइन के रूप में अशोक जी और संतोष जी जरूर मिले, बाकी कोई मिले ना, ठीक है, सो प्राउड ऑफ देम, तो आप बहुत लकी हैं। मुझे अभी अशोक जी ने जब बोला तो मैंने कहा कि यार मैं क्या बात करूं, मतलब आप सब कुछ इतना अच्छा सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, बट के कितनी चीजें हैं, आज भी हम अभी बैठे हुए थे तो अशोक जी और आशु से कुछ चीजें हम सीख रहे थे कि क्या चीजें और करनी चाहिए जो आप लोग अपने टीम में कर रहे थे, और जैसे मीनाक्षी ने बोला ड्रीम टीम नाम में जिसका ड्रीम है, सो सपने देखना बहुत जरूरी है, और हमारा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा सपनों के बारे में होता है, क्योंकि मैं सारा दिन सपनों में जीता हूँ, और ऐसा ही हमारा बेटा है,
भले उसको मैं बोल रहा होता हूँ, उसको बुला रहा होता हूँ, तो वो भी कहीं खोया होता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्यूचर कुछ सपना अपने एज के हिसाब से, 8 साल का है वो तो देख रहा होता। तो सारा दिन मैं सपनों में रहता हूँ दोस्त, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ मैं सपनों में होता हूँ, मेरे क्या नेक्स्ट गाड़ी के बारे में सोच रहा होता हूँ, बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच रहा होता हूँ, टीम के लीडर्स के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो हमेशा आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कहाँ पहुंचने वाले हैं वो बहुत बड़ी चीज है और उसे लगातार देखना होता है, उसी बारे में थोड़ी सी मैं बात भी करूंगा। और दूसरा, बट जब फ्यूचर के बारे में सोचें, जब सपनों के बारे में सोचें, तो प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड में जरूर है ना, ग्रेटिट्यूड मतलब